जिंदगी हमें ख्वाब देती है, ख्वाहिशें देती है और उन्हें पूरा करने का मौका भी देती है। कई ख्वाहिशों से हम अनजान होते हैं तो कई ख्वाहिशों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। ख्वाबों को वक्त से पूरा कर लेना बेहद जरूरी है, वरना ये ना हो कि जब उस ख्वाब की बेसब्री से तलाश हो तो आपके होंठों पे बस काश हो। आज की कहानी आई डोंट लव यू बाय वाहिद। कुणाल ने अभी अभी इंडिया में लैंड किया है, ऑस्ट्रेलिया से 2 साल बाद MBA करके लौटा है, मगर सरप्राइजिंगली दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पे कोई उसे पिकअप करने नहीं आया। हेलो डैड, हाय, वेयर आर यू? अरे मैं कब से ट्राई कर रहा हूं, मैं लैंड कर चुका हूं। कहां हो आप? व्हाट, नो वे, तो मुझे पिकअप करने कोई नहीं आया? अरे एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देते, मैं क्या करूंगा। हेलो डैड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हाय कुणाल, डैड आई विल कॉल यू बैक। त्रिशा, हाय, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ रोज एरोप्लेन्स काउंट करने आती हूँ, मेरी फेवरेट हॉबी है। अरे स्टूपिड, तुम्हें पिकअप करने आई हूँ ऑब्वियसली। थैंक यू, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? अब तुम नहीं बताओगे तो क्या पता नहीं चलेगा? सुरभि ने बताया। तुम और सुरभि अभी भी टच में हो? या ऑफ कोर्स। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ और तुम्हारे पीछे यहाँ सब वनवास पे रहे? नहीं, बट जो कुछ भी हुआ था 2 साल पहले, उसके बाद सुरभि और तुम, यू नो, इट्स ऑकवर्ड। कुणाल, नथिंग्स ऑकवर्ड अगर दो लोग सॉल्व करना चाहे तो। एनीवे, लीव इट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हियर। मॉम डैड तो आए भी नहीं। आई नो, कैसे आते, दे आर इन रामपुर, यू नो, इतनी बारिश हो रही है। यू आर इन टच विद मॉम ऑल्सो? कुणाल, मैं सबके टच में हूँ। Come on, don't be surprised now. अब सुनो, एक प्रॉब्लम है। हाँ, yes, इंडिया आए तो प्रॉब्लम्स तो होगी। आई लव इट। बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम प्रॉब्लम सुन के इतना एक्साइटेड क्यों हो? क्योंकि यार 2 सालों से हर चीज एकदम परफेक्ट हो रही है ना, जो प्लान करो वो हो जाता है स्मूथली। ये अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आते ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, मजा तो इन्हीं प्रॉब्लम्स में है। बताओ क्या प्रॉब्लम? मिस्टर ऑस्ट्रेलिया, मेरा भारत महान, ओके? और प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि मैंने जो टैक्सी बुलाई है वो जैम में फंस गई है। वाओ, ओके, जैम। एंड मिस्टर एक्साइटेड, थोड़ा वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, फिर हम साथ में निकलेंगे। ओके ओके, व्हाई नॉट। मैं जरा लगेज का फाइनल देख लेता हूँ, देन वी विल हैव सम कॉफी। या कूल, मुझे भी एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। आई नो, 5 मिनट, लेट मी कलेक्ट माई लगेज। ओके, कुणाल अपना लगेज लेने चला गया, त्रिशा उसका वेट करने लगी। कुणाल और त्रिशा कई साल बाद मिल रहे थे, मगर कोई झिझक नहीं थी, मतलब दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, मगर कुछ तो है इनके पास्ट में जो कि अनप्लेजेंट है। देखते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट केमिस्ट्री क्या है। कुणाल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आया और एयरपोर्ट पे त्रिशा को देख के थोड़ा हैरत में था। घर वालों के बजाय त्रिशा उसको पिकअप करने आई थी। आइए सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। Thank you.
न पाए मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए दर्द दिल हम कैसे सहे दूर भी हम कैसे रहे तेरा हम तेरे जाने के बाद रहा तेरा हम तेरे जाने के बाद रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा कुछ याद रहा Come, Kunal. Done. Chal, let's have coffee. Sure. So, Trish, how's life? Trish. Oh my God. Trisha hi theek hai. Sorry, tumhe bura laga kya? Nahi, bura nahi, but... Meri aadat hai na. Aadat. Seriously? Aur pichle 2 saal se kahan thi ye aadat? I was busy. Koi itna busy nahi hota, Kunal. Mujhe ab behlao mat, please. Mujhe ab aadat nahi hai Trish sunne ki. So, call me Trisha, okay? Okay. Trisha, kaisi ho tum? Bas, bilkul changi. Ekdam mast. That I can see. You've become more beautiful. Kya raaz hai? Raaz kuch nahi hai. Bas kaam hai. Kaam pe lag gayi hu bas. Kaam as in? Ab yaar, tumhari tarah padhai to karni nahi thi. So I started my own business. Boutique ka. Oh, that's wonderful, yaar. Yeah. 15 log hain team mein. Kaam achha chal raha hai, to bas sab chehre pe reflect ho raha hai. I knew it. Tum kuch bada karogi. No, you didn't. तुमने हमेशा डाउट किया था मुझ पे बट थैंक्स एनीवे यार तुम इतना ब्लंटली क्यों बात कर रही हो सब ठीक तो है थैंक्स क्यों बोल रही हो अरे सब ठीक है डोंट वरी थैंक्स एक्चुअली इसलिए कि अगर तुम वो सब नहीं कर यार इट्स बीन 2 इयर्स तुम अब तक नहीं भूली हो कुछ कम ऑन ग्रो अप मैं सब भूल चुकी हूँ कुणाल सच में और ये थैंक्स भी एक जेन्युइन कन्फेशन है सब भूल चुकी हूँ सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मुझे लगता है तुम्हें एक बार टैक्सी वाले को कॉल करके चेक कर लेना चाहिए कि वो कहाँ है लेकिन मुझे लगता है कि इससे बेहतर जगह सब बातें क्लियर करने के लिए हो ही नहीं सकती सब बातें कर लेंगे लेट मी फर्स्ट गेट सम कॉफी यू वांट सम यस प्लीज एंड प्लीज कॉल द टैक्सी गाय दोनों की बातों से लग रहा है कि राख के नीचे बड़ी पुरानी आग है कुछ धुआं सा उठ रहा है दोनों की बातों में तो क्या कोई चिंगारी भी कहीं दबी हुई है
सुहानी तेरी झील सी आंखें, किन में न जाने कहां खो गया है मेरा दिल। तो कुणाल, यू सेइंग आप त्रिशा, लिसन, मैं बस ये कह रहा था कि मूव ऑन, आई नो। तो फिर ये सार्कास्टिक टोन और ये थैंक यू क्यों? थैंक्स इसलिए कि अगर तुम मुझे उस तरह छोड़ के ना जाते तो मैं कभी वो नहीं कर पाती जो मैं आज कर रही हूँ। त्रिशा लिसन, आई मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, ओके? लेकिन हर्ट तुम्हें हुई ना। तुमने जो किया वो पता नहीं सही था या गलत, बट मेरे लिए बहुत नेगेटिव था। तो तुम समझ ही कहां रही थी?
मुझे अपना करियर देखना था यार, तुम उस वक्त बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। क्योंकि मैं बच्ची थी कुणाल, मेरी उम्र ही क्या थी। मगर बात तो समझ सकती थी ना, सब तुम्हारी आंखों के सामने था। तुम देख नहीं पा रही थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यही तो प्रॉब्लम है कुणाल, कि मुझे दिख रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर पता नहीं डिनायल मोड में क्यों थे तुम। आई नेवर लव्ड यू त्रिशा, सीरियसली। खैर, अब ये सब इनसिग्निफिकेंट है। ऑल आई वांटेड टू से वाज कि तुम थोड़ा और मैच्योरली हैंडल कर सकते थे। त्रिशा, मैंने जो किया ठीक किया। ठीक किया? क्या ठीक किया? तुम्हारी और मेरी फैमिली में इतना टेंशन हो गया, सिर भी तुम्हारी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सबकी नजरों में मैं बुरी बन गई और तुम ये सारा रायता फैला के ऑस्ट्रेलिया भाग गए। मैं भागा नहीं था, I just wanted to stay away. So you should have stayed away then. तुम तो एनीवे ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, मुझे मेरे इम्पोर्टेंट रिश्तों से क्यों स्टे अवे कर दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पीछे कुछ भी मैस हो। नहीं, तुम ये चाहते थे कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में मैं डिस्टर्ब नहीं करूं, जो मैं एनीवे नहीं करती। इफ यू वुड हैव जस्ट टोल्ड मी, जैसे कि तुम बड़ा मान जाती ना। यू शुड हैव ट्राइड वंस। एनीवे, मैस तुम करते थे, तुम्हारे जाने के बाद तो आई क्लियर ऑल द मैस। क्यों, क्या जरूरत थी? क्योंकि जब तुमने इस तरह मुझे बीच राह छोड़ दिया तो मुझे एहसास हुआ कि चेक देखो किसका फोन। हाँ भैया। ओ हो, अच्छा ठीक है, बताती हूँ। क्या हुआ? टैक्सी वाले का कॉल था, कह रहा है कि और थोड़ा टाइम लगेगा, आप दूसरी कर लो चाहे तो, पर क्या करे, अब क्या दूसरी बुक करेंगे। लेट्स वेट फॉर हिम। बट अभी तो तुम्हें लेट हो रहा था ना। ठीक है, तो लेट नाइट कहाँ जाएंगे, वैसे भी बात शुरू हुई है तुमसे, तो लेट्स फिनिश इट। टेल हिम दैट वी आर वेटिंग। श्योर, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, इट्स ओके। मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ, यू नीड सम? या थैंक्स। हाँ भैया, आप आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। कुणाल और त्रिशा की ये सालों बाद की मुलाकात उनके रिश्तों की परतें धीरे धीरे खोल रही थी। त्रिशा कुणाल से मोहब्बत करती थी, मगर कुणाल उसे छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर आज जब वो वापस आया तो त्रिशा ही उसे एयरपोर्ट पिकअप करने आई है। कुछ तो बात है त्रिशा के दिल में जो कुणाल पढ़ नहीं पा रहा।
क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि तुम्हारे मुंह से आज भी मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। स्टॉप बीइंग अ रोमांटिक। ओके, आई शुड। तो क्या बता रही थी तुम अपने बुटीक बिजनेस के बारे में? याद है जब मैं तुमसे अपने स्टूपिड बिजनेस आइडिया शेयर करती थी? याद है, तुम्हें तो हमेशा से बिजनेस ही करना था। कितनी छोटी थी ना मैं, कितनी बुद्धू। अब इतनी भी बुद्धू या मासूम नहीं थी तुम, मगर फिर भी कैसे कैसे ख्वाब देखती थी मैं। सो स्टूपिड। आई थिंक यू वर जस्ट इनोसेंट। मगर तुमने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम कर सकती हो, तुम बन सकती हो जो तुम्हें बनना है। क्योंकि तुम्हारे आइडियाज बहुत स्टूपिड होते थे यार, आई मीन सीरियसली। स्टूपिड नहीं, इनोसेंट। और इनोसेंस हमेशा अप्रिशिएट होना चाहिए। चलो मान लिया मेरी गलती है, फिर भी आई मीन आज इस बात का क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस है कुणाल, है रेलेवेंस। तुम पूछ रहे थे ना कि ये थैंक्स क्यों? इसलिए थैंक्स कि तुमने जब मुझे अंदर से पूरी तरह से हिला दिया था ना, तब मुझे मेरे होने का एहसास हुआ। वरना मैं तो तुम में ऐसी मगन थी कि खुद से भी रूबरू न हो पाई। सो या थैंक्स फॉर लीविंग मी अलोन। त्रिशा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों हो। आई मीन अगर तुम मुझसे खफा हो तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और अगर तुम खफा नहीं हो तो ये सारी बातें क्यों? इसलिए क्योंकि बातें ना होने से दिल का मैल नहीं धुलता। बात जरूरी है ताकि रिश्ते बाकी रहे। देखो त्रिशा, मुझे भी एहसास हो रहा है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। किस तरह से मैंने तुम्हारी बात रखी सबके सामने। बात नहीं रखी, खुद को विक्टिमाइज किया। इतनी हिम्मत अगर तुम मुझे समझने में दिखाते ना, तो आज हम तुम कुछ और होते। अब कुछ कोई रास्ता तब नहीं था शायद, मगर मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। व्हाट, एक्सक्यूज मी, ये किसने कहा तुमसे? त्रिशा, डोंट बिहेव लाइक आई डोंट नो। नो यू डोंट नो, यू डोंट नो एनीथिंग। मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। आई मीन इट्स एज सिंपल एज कि मैं तुमसे कभी प्यार करती थी। मैं नहीं मान सकता। तुम मुझे कब समझोगे कुणाल? जब मैं तुम्हें चाहती थी तब तुम कहते थे कि ये कोई प्यार नहीं है, और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्यार नहीं है तो क्यों आई हो तुम यहाँ इतनी रात में एयरपोर्ट? क्यों, क्या जरूरत है इस एहसान की? अभी बताती हूँ, पर पहले ये बताओ कॉफी लोगे? नो, आई नीड एन आंसर। नो, यू नीड अ कॉफी टू काम डाउन। एक कप कॉफी और खूब सारी बातें। दो लोग जब कई साल बाद मिलते हैं ना, तो सवालों के गुबार से घिरे हुए होते हैं। धीरे धीरे ये सवालों का कोहरा हट जाता है। सुनते हैं कि कुणाल के इन सवालों के क्या जवाब हैं त्रिशा के पास। कुणाल तो जाएगा, रोने न दीजिएगा।
यही कि तुम मेरे सिवा किसी और को भी अपने दिल में दाखिल कर सकती हो। सच कहूं तो पहले मैं भी यही सोचती थी, मगर वो मेरा बचपना था। शायद तुमसे अलग होने के बाद ही अपनी पहचान बनाने की सोची, अपना बिजनेस शुरू किया। आज मैं इस लायक हूं कि लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। और प्यार? प्यार तो नहीं होगा ना तुम्हारी लाइफ में? कितने सेल्फिश हो तुम कुणाल, मुझे ही प्यार से तन्हा करके गए और आज सोचते हो कि मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है। तो सुनो, मेरी जिंदगी में प्यार भी है, कामयाबी भी है और सुकून भी। क्या नाम है उसका? त्रिशा। विनय। मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पार्टनर चाहिए था। विनय ना सिर्फ मेरा बिजनेस पार्टनर बना, बल्कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार भी करता है। मेरे हर डिसीजन को समझता है, सपोर्ट करता है। आज मैं जो भी हूँ ना, विनय का उसमें बराबर हाथ है, एंड आई लव हिम फॉर दैट। त्रिशा, ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हें बेहद चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं सका ना। तुमसे दूर जाके तुमसे मोहब्बत का और ज्यादा एहसास हुआ है, मगर मुझे हमेशा लगता था कि क्या? हाँ, क्या लगता था? कि तुम कहीं जाओगी नहीं। तुम्हारे प्यार का मैंने नाजायज फायदा उठाया ना। अगर कोई ख्वाहिश हो ना दिल में, तो कह देना चाहिए कुणाल, क्योंकि क्या पता फिर वो पल रहे ना रहे, वो शख्स रहे ना रहे, फिर वो एहसास रहे ना रहे। पर अब तो मैं आ गया हूँ ना। अच्छा, एक मौका तो दो मुझे। कुणाल प्लीज, डोंट एम्बेरस योरसेल्फ एंड मी। मैं तो तुम्हें 100 मौके दे दूं, लेकिन जिंदगी ना बार बार मौके नहीं देती। तुम्हारे लिए हर इमोशन मर चुका है मेरे दिल से, और मेरे यहाँ आने की एक वजह है। कौन सी वजह? कुणाल देखो, बहुत मुश्किल से तुम्हारी फैमिली, मॉम डैड सुरभि से मैंने अपने रिलेशन नॉर्मल किए हैं। प्लीज उस सबको स्पॉइल मत करना। तुमने किया ही क्यों ये सब? मेरी फैमिली से तुम्हारे रिश्ते नॉर्मल किए मेरे लिए ना? नहीं, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी मेरे रिश्ते हैं, बचपन के रिश्ते। तुम्हारे चक्कर में मैं वो दौलत नहीं खो सकती। मेरे लिए वो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे मिलती हूँ। विनय भी सबको पसंद है। त्रिशा, लिसन, कुणाल, आई डोंट लव यू। हाँ भैया। हाँ बस आ गए। हाँ ये टर्मिनल 3। त्रिशा, इतना सब होने के बाद भी आई डोंट थिंक। कम ऑन कुणाल, मूव ऑन। अब तो टैक्सी भी आ गई है, शायद खुदा भी नहीं चाहते कि हम इस बारे में आगे बात करें। सो कम ऑन नाउ, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ बेबी, कम ऑन। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे मगर एक नहीं हो पाए, क्योंकि जिंदगी हमें ख्वाब और ख्वाहिशें तो देती है, मगर कुछ ख्वाहिशों से हम अनजान होते हैं और कुछ ख्वाहिशों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, इसलिए जब दिल में जो ख्वाहिश हो जाहिर कर देनी चाहिए। कुणाल और त्रिशा एक ना हो सके, मगर दोनों ने जिंदगी का ये फलसफा बखूबी समझ लिया कि प्यार दोबारा हो सकता है, वो प्यार जो मुकम्मल हो जाए एक ही बार मुमकिन है। तो जब जहां कोई मुकम्मल मोहब्बत मिले, इजहार कर दीजिए।